गाइस कैसे हो आप लोग। आज की जो हमारी फॉरेक्स की सीरीज़ है उसका आज लास्ट टॉपिक है, जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि लाइव और डेमो अकाउंट आप लोग कैसे ओपन कर सकते हो। तो ये फाइनली हमारा ब्रोकर अकाउंट अप्रूव हो चुका है। ये लिंक मैं आप सबको अभी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्कॉर्ड के अंदर। इस लिंक से आपने ओपन करना है और यहाँ लॉगिन के अंदर आना है। लॉगिन के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी क्रिएट है। मैं एक बार आप लोग को लॉग आउट करके दिखा दूँ कि कैसा इंटरफेस होगा। तो जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे, माई एचएफ के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, तो हॉट फॉरेक्स मार्केट्स के अंदर जो हमारा अकाउंट है वो होगा। तो यहाँ पर आप आके रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे। फिर आप लोग को लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपकी मेल के ऊपर आ जाएंगे। तो आप लोग ने लॉगिन कर लेना है। फिर ठीक हो गया, तो मैं यहाँ से अपना अकाउंट को लॉगिन करता हूँ। अब आपने इसके अंदर डेमो अकाउंट कैसे खोलना है और लाइव अकाउंट कैसे खोलना है, अब मैं वो आप लोग को बता देता हूँ। मेरा नेट आई थिंक स्लो चल रहा है। ओके, मैं वेबसाइट के अंदर इन हो चुका हूँ। यहाँ पर आप लोग को दिख गया होगा कि मेरा अकाउंट अप्रूव है। अब आपने इसकी केवाईसी कैसे करनी है, यहाँ पर आप लोग के पास ऑप्शन आ जाएगा। जब मैं अकाउंट बनाने जाऊँगा, मेरा ऑलरेडी अप्रूव है, तो यहाँ पर फिर भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। केवाईसी करवानी बड़ी ज़रूरी है आप लोगों ने। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले अब आप लोग आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ऑप्शन है ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर, यहाँ पर है लाइव अकाउंट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है ओपन लाइव अकाउंट के अंदर आके। फिर इसके अंदर यहाँ पर आपने प्रीमियम, माइक्रो और ज़ीरो स्प्रेड, हमेशा ज़ीरो स्प्रेड ब्रोकर हम सिलेक्ट करेंगे। मैंने आप लोग को स्प्रेड के बारे में बताया हुआ है, जिसकी वजह से हम ये सिर्फ ज़ीरो स्प्रेड के ऊपर जाएंगे। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करना है और MT4 का अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करना है। MT5 नहीं करना है, MT4 करना है। MT4 के ऊपर क्लिक करने के बाद करेंसी हमारी सेम रहेगी, लेवरेज भी हमारा इतना ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ब्रोकर की आईडी है वो आप लोग ने नहीं डालनी है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एफिलिएट लिंक से चल रहा है जो मैंने आप लोग को दिया। और यहाँ पर आप लोग ओपन अकाउंट के ऊपर जब क्लिक कर देंगे तो आपके पास मेल आ जाएगी, या आप लोग को क्रेडेंशियल साइन हो जाएंगी। ठीक हो गया। MT4 की ऐप आपने ओपन कर दी है, वहाँ पर जो यूज़र नेम आएगा उसमें ये आपने डालना है, आपका अकाउंट नंबर। ठीक हो गया। और जो आपका इन्वेस्टर और आपका जो ट्रेडर पासवर्ड है वो आपने ये वाला यूज़ करना है। ठीक हो गया। ये जो आपका ट्रेडर पासवर्ड है, ये ट्रेडर पासवर्ड पासवर्ड की जगह पे और यूज़र नेम में आपने ये जो अकाउंट नंबर यहाँ पर आ रहा है ये आपने यूज़ करके वहाँ पर लॉग इन कर लेना है। लॉग इन कर दिया आपने, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे कि हमने डिपॉज़िट कैसे करना है। डिपॉज़िट के अंदर जो लोग लोकल डिपॉजिटर्स के थ्रू करना चाहते हैं उनका नंबर हम डिस्कॉर्ड में प्रोवाइड कर देंगे। जो लोग डायरेक्टली करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर डिपॉज़िट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप लोग की KYC इसके लिए होना ज़रूरी है, उसके बगैर आप लोग नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है, बैंक ट्रांसफ़र्स का ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव का, सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक हो गया। आप लोग यहाँ पर जब आप लोग अपना अकाउंट अप्रूव कर लेंगे तो जो भी आप लोग को मैनेजर साइन होगा वो आप लोग को सारी डिटेल बता देगा कि आपने कैसे पेमेंट करनी है, स्केल, फास्ट पे, परफेक्ट मनी। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लोकल डिपॉजिट के थ्रू करें। उसमें क्या है, आप लोग का विड्रॉ भी जल्दी हो सकेगा जब आप लोग अपनी अमाउंट निकलवाना चाहेंगे, और डिपॉजिट भी आपका जल्दी हो सकेगा। तो बेटर है कि आप ये सारे ऑप्शंस को अवॉइड करिएगा, और जो हम आपको लोकल डिपॉजिटर देंगे आप उसके थ्रू करें, वो आप लोग को ज़्यादा बेटर रहेगी वो चीज़ ना। बैंक्स वगैरह का भी चक्कर नहीं होगा उसमें, और जब आपका विड्रॉ और डिपॉजिट जो मैं ऑलरेडी बताया है कि वो जल्दी आ जाएगा। इनमें तो आपको 24 आवर 48 आवर्स का वेट करना पड़ जाएगा इन पेमेंट मेथड्स के थ्रू ना। अच्छा, जब डिपॉजिट अमाउंट आपके पास आ जाएगी ना, यहाँ पर आप लोग को शो हो जाएगा। आप सब ने एक काम ज़रूर करना है, या मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पर ये MyHFID जो आ रही है ना, सब ने अकाउंट खोलने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं मेरा कर्सर, ये आईडी सब ने भेजनी है चैट के अंदर सब ने, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि किसका अकाउंट हमारे आईबी के अंदर है। सही हो गया। आईबी के अंदर अकाउंट खोलने का रीज़न ये है कि जब भी हमें कोई इश्यूज़ होंगे ना, तो हमारे पास पर्सनल मैनेजर है, वो हमारे सारे इश्यूज़ प्रायोरिटी के ऊपर रिजॉल्व करेगा। ये सारा रीज़न होता है। एज़ सुहेल भाई ऑलरेडी सेट कि हमें कोई रेफरल प्रोग्राम से कमाने का शौक़ नहीं है, ये बेसिकली आप लोग की सहूलत के लिए हम ये आईबी प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर आप हमारे ब्रोकर के अंदर ही अकाउंट खोलेंगे, बेनिफिट्स सब आप लोग को मिलेंगे। उसके बाद जब डिपॉजिट यहाँ पर हो जाएगा तो आपने ट्रांसफ़र फंड्स के अंदर आना है। ये सारे इश्यूज जिसको जो भी आएंगे वो डिस्कॉर्ड के अंदर भी पूछ सकता है, वहाँ पे भी सारी क्यूरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। अब आपका जो वॉलेट होगा ना, यहाँ से आप वॉलेट सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा ये वॉलेट है। ठीक हो गया। अब मुझे वॉलेट से आपके MT4 अकाउंट में जब अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, तो मैं ट्रांसफ़र फंड में आके अपना यहाँ पे वॉलेट सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर आकर अपना ट्रेडिंग वॉलेट जो मेरा MT4 वाला है वो यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अमाउंट डाल दूँगा, 500, 1000 जितने भी है,
वो यहाँ पर मैं डालने के बाद ट्रांसफ़र फंड्स पे ऊपर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा, मेरी Y MT4 में अमाउंट शो हो जाएगी। तो ये आज की लास्ट वीडियो थी, लिंक शेयर करता हूँ, आप लोग जल्दी से अपना अकाउंट बनाएं और डॉलर प्रिंट करते हैं इंशाल्लाह।